Hello students, now we have reached to ninth definition. Let's proceed with the further definitions. As I told you earlier also, total in all we have to learn 16 definitions, and out of 16 we have done half of the definitions, that is 8. Let's go for ninth definition, debtor and creditor. We will learn these two definitions with the help of these examples. But before we learn with the help of example, let me explain with conceptual knowledge. Now, what exactly debtor? Here B is silent, right? इसे हम पढ़ेंगे कैसे debtor? ये debtor लिखा है और ये क्या है creditor? So what exactly debtor means and creditor means? Debtor exactly होता क्या है? तो जब भी आप account से समझते हो, सीखते हो, तब आपको किसके angle से समझना है? Business के angle से. You have to think from the business point of view. आपको business के नजरिए से सोचना है. Business के नजरिए से अगर आप सोचोगे तो किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी से अगर पैसा लेना बाकी है, we are business, बच्चों business है, but किसी भी व्यक्ति से अगर पैसा लेना बाकी है, जिस व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है उसे हम क्या कहेंगे? debtor. और जिस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है उसे हम क्या कहेंगे? creditor. So person from whom we have to receive some amount, that person is called as a debtor, and the person to whom we have to pay some amount, that person is called as a creditor. Now again, before we proceed with this information, right, look at the board. Here I will explain you the concept with the help of example. Acha, jab aap lecture attend kar rahe ho na to aapko sochna hai business ke nazariye se. Ha, dekho aapne likha business aur ye koi Mr. A. Suppose hum business wale ne Mr. A ko let's say 10,000 rupees ka goods matlab kya samaan agar humne becha, sale kiya on credit, what we have done from business point of view, business के angle से हमने 10,000 rupees का goods sale किया credit basis पे. किसे बेचा? Mr. A को. अच्छा, credit पे बेचा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सामान बेचा उधारी पे. Suppose अगर हमारे business की policy है कि जो भी हम goods बेचते हैं उधारी पे, तो सामने वाली party जो है वो payment करती है 2 महीने के बाद. Now today we have sold goods worth rupees 10,000 to Mr. A on a credit basis, and the opposite party, such party will make a payment to us, let's say after 2 months. After 2 months, 2 महीने के बाद पैसा आएगा. तो as a business हमने उधारी पे सामान सामने वाली पार्टी को बेच तो दिया, हमने सामान बेच भी दिया. अब सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट कब करेगी? 2 महीने के बाद. तो बताइए, सामने वाली पार्टी से पैसा लेना बाकी है कि देना बाकी है? लेना बाकी है. अगर सामने वाली पार्टी से अगर पैसा लेना बाकी है, रिपीट, अगर सामने वाली पार्टी से अगर पैसा लेना बाकी है, तो दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ डेटर. इसे हम क्या कहेंगे? डेटर. अब डेटर का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. डेटर इज अ पर्सन, बताइए मिस्टर ए के बारे में बोल रहे हैं. डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव सम अमाउंट. डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिससे पैसा लेना बाकी है. सिमिलरली लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर क्रेडिटर. सपोज अगर हम बिजनेस है, जैसे हम किसी को उधारी पे सामान बेचते हैं, वैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी पार्टी से उधारी से सामान खरीदा, सपोज अगर हमने गुड्स परचेस किया ऑन अ क्रेडिट फॉर लेट्स से 5,000, अगर हमने 5,000 का कुछ उधारी पे खरीदा, वी हैव परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर बी, हमने मिस्टर बी से 5,000 के गुड्स क्या किया? परचेस किया. तो सामान तो हमारे पास आ चुका है, सामान तो हमारे पास आ चुका है, गुड्स तो हमारे पास आ चुका है. अब सामने वाली पार्टी को क्या पेमेंट करना बाकी है? लेट्स से हमने जिस पार्टी से सामान खरीदा उस पार्टी को हमने पैसे देने का वादा किया, लेट्स से आफ्टर टू मंथ्स. तो आज तो हमने सामान खरीद लिया, आज तो सामान हमारे पास गोडाउन में आ चुका है, पर हम सामने वाली पार्टी को, मिस्टर बी को, पेमेंट कब करेंगे? लेट्स से 2 महीने के 2 मंथ्स के बाद. सो सामने वाली पार्टी से वो पैसा लेना बाकी कि देना बाकी है? देना बाकी है. तो यहां पर मिस्टर बी को क्या कहा जाएगा? क्रेडिटर. तो क्या समझ में आया?
डेटर एक ऐसा पार्टी है जिससे पैसा लेना बाकी है एंड क्रेडिटर एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा पर्सन है कि जिसे पैसा देना बाकी है. Now look at the definition. Definition देखिए, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव सम अमाउंट. डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिससे पैसा लेना बाकी है. व्हाट अबाउट क्रेडिटर? क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम वी हैव टू पे सम अमाउंट. क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसे पैसा देना बाकी है. एकदम इजी है. कैसे याद करेंगे? डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव सम अमाउंट. क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम वी हैव टू पे सम अमाउंट. ओके, नाउ जस्ट रिवाइज करो 9 and 10. After 30 seconds, you will start with the bandits ka definition. Isko ek bar yaad karo. Now let's go for next definition, definition number 11, bad dates. Okay, now again be silent, bad dates, it is called as a bad dates. Bad dates ka matlab kya? To dekho yahan par aapko kuch explain karna chahta hu, zara par board pe dhyan dijiye. Suppose ye jo debtor ka jo maine aapko explanation diya tha, jo maine aapko example diya tha samjhane ke liye, same cheez ko hum carry karte hain bad dates ke liye. What exactly bad dates hota kya hai? पहले आप ध्यान दीजिए, मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली बैड डेट्स मींस. हम एक बिजनेस है, सामने एक पार्टी है जिसका नाम है मिस्टर ए. हमने 10,000 का गुड्स उधारी पे मिस्टर ए को क्या क्या बेचा. सामने वाली पार्टी हमें पैसा देने वाली है आफ्टर 2 months. हमने उधारी पे सामान बेच तो दिया, सामान हमारे इस बिजनेस के प्रीमाइसेस से जा चुका है. अब सामने वाली पार्टी से खाली पैसा लेना बाकी है. कितना पैसा लाना बाकी है? 10,000. सामान्य पार्टी का नाम क्या? मिस्टर ए. अच्छा, इसे टेक्निकल क्या बोलते हैं? डेटर. तो बोलो डेटर से कितना पैसा आना बाकी है? 2,000. डेटर से कितना रुपया लेना बाकी है? 10,000. नॉट 2,000, 10,000. सामान्य पार्टी से 10,000 रुपया लेना बाकी है. ओके, सपोज 2 महीना फिनिश हो गया. 2 महीने के बाद हम जब सामान्य पार्टी के पास गए पैसा मांगने के लिए, तो सामान्य पार्टी पैसे देने के काबिल नहीं है. Opposite party, that is debtor, is not able to make payment to us. वो हमें payment देने के लिए काबिल नहीं है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है. शायद सामने वाली पार्टी को बिजनेस में लॉस हो गया, वो हमें पैसा दे नहीं पा रहा है. लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी रहेगा, उसका जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसे हम पैसा वसूल करके दें. बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कुछ 2-3 चीज़ें पड़ी हुई थी, उसे मार्केट में बेच के आए, राइट. अब उसके पास कुछ भी नहीं है, अवेलेबल है, बट जो भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको हमने बेचा. तो एग्जाम्पल, सपोज 2,000 रुपीज हम उससे कलेक्ट कर पाए. लेना कितना था? 10,000. प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी हमें कितना रुपया मिल पा रहा है? 2,000 मिल पा रहा है. अच्छा, जितना पैसा मिल पा रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं? गुड डेट्स. जो मिल पाया गुड डेट्स, और कितना नहीं मिल पाया? 8,000. दैट 8,000 इज कॉल्ड एज व्हाट? अ बैड डेट्स. बैड मतलब क्या? बुरा लगा. एक्चुअली 2 महीने के बाद पूरा 10,000 आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड कलेक्ट ओनली 2,000. सिर्फ 2,000 कलेक्ट कर पाए. जितना कलेक्ट कर पाए उसे कहेंगे गुड डेट्स, और जितना कलेक्ट नहीं कर पाए उसे हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स. सो इन दिस एग्जाम्पल, राइट, आउट ऑफ 10,000 we could manage to collect only 2,000, that is good debts, and we could not collect 8,000, that is what is a bad debts. So look at the definition of bad debts. Bad debts means an amount. Bad debts ek amount hota hai. In my example, 8,000. They are talking about 8,000 because we are learning what bad debts. Bad debts means an amount which is irrecoverable. बच्चों, irrecoverable का मतलब not recoverable. प्राप्त नहीं कर पाओगे. Bad debts means an amount which is irrecoverable from debtor. Bad debts ये वो रुपया होता है जो debtor से नहीं आ पाएगा. It is loss to the business. ये हमारे business के लिए क्या हो जाएगा? Loss.
in as per my example, how much amount we have to collect from, how much we wanted to collect from Mr. A, 10,000, but out of 10,000 how much we could collect, 2,000, how much we could not collect, 8,000. So that 8,000 itself is called as what? Bad debts. Usko bad debts bolte hain. Okay, chalo bad debts ko revise kar lete hain. चलो हम आगे डेफिनेशन में बढ़ते हैं. हमने 9, 10 और 11 तक कर लिया. लुक एट द नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 12. डेफिनेशन नंबर 12 करते हैं. बहुत इजी. अब जो मैं डेफिनेशन कराने वाला हूँ ना, वो बहुत ही इजी डेफिनेशन से आप अच्छे से ध्यान से देखिए. डेफिनेशन नंबर 12, एक्सपेंसेस. एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है पहले समझ लो. एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा. जब भी आप बिजनेस चलाते हो तो बिजनेस चलाने के दौरान बहुत सारे खर्चे होते हैं. जैसे इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, सपोज यू इफ यू टेकन अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट बेसिस, सबको रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल पेमेंट करना पड़ेगा, आपके स्टाफ हो गए, वर्कर्स हो गए, स्टाफ को सैलरी पे करना पड़ता है, वर्कर को वेजेस का पेमेंट करना पड़ता है, एंड सो ऑन. सो जो खर्चे होते हैं ना, वो सब लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस. बट एग्जाम में अगर एक्सपेंस पर डेफिनेशन है तो एक्सपेंसिस हमें खर्चा ऐसा लिखोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा. You have to write a proper sentence. So expense का मतलब क्या? It is an amount paid. Expense की वजह से हम, expense की वजह से हमेशा payment जाएगा ही. Expense खर्चे की वजह से हमेशा पैसा जाएगा ही. So it is an amount paid in return of, in return of any services. ये एक्सपेंस का डेफिनेशन है, ये एक्सपेंस का मीनिंग है. इट इज एन अमाउंट पेड. एक्सपेंस क्या है? एक अमाउंट है जो पेड किया जाता है. इट इज एन अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी सर्विस. मतलब हम पेमेंट क्यों करते हैं? खर्चे की वजह से हम पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि बदले में हम क्या देते हैं? सर्विस. जैसे मान लो अदानी इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, सर्विस लेते हैं, अब बदले क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं. हम हमारे ऑफिस में स्टाफ से उनका टाइम लेते हैं, उनका सर्विस लेते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं. तो एक्सपेंस में हमेशा बच्चों पैसा जाएगा ही, बदले में हम क्या लेंगे? सर्विस लेंगे. सो इट इज एन अमाउंट पेड, इट इज अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी सर्विस. एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, एक्सेट्रा. आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट है इनकम. नेक्स्ट इज इनकम. Now what exactly income means? देखो expense का मतलब क्या होता है? खर्चा. तो income का मतलब क्या होता है? कमाई. राइट, आप जो कमाई कमाओगे, आप जो पैसा कमाओगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम. बट इसका मीनिंग देखो, इट इज एन अमाउंट. देखिए एक्सपेंस में क्या होता है? अमाउंट क्या करना पड़ता है? पेड. बट इनकम में अमाउंट क्या होगा? रिसीव होगा. इट इज एन अमाउंट रिसीव. इनकम कमाते समय पैसा क्या मिलेगा? इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग. देखो रेंडरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर गिविंग, फॉर गिविंग एनी सर्विसेज, फॉर गिविंग एनी सर्विसेज. इनकम में क्या होगा? पैसा में मिलेगा.
हमें पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं। जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो जब मैं सर्विस दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो मुझे पैसा हमेशा कब मिलेगा? जब मैं किसी को सर्विस दूंगा। तो ये बात फिक्स हो चुकी है, यू ऑलवेज गेट इनकम, यू ऑलवेज गेट मनी ओनली व्हेन यू प्रोवाइड सर्विस। सो इट इज गिवन, इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड। इनकम की वजह से अमाउंट रिसीव्ड ही होगा, इनकम की वजह से पैसा आएगा ही फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस और रेंडरिंग गिविंग एनी सर्विस। जब आप सर्विस किसी को परफॉर्म करके दोगे तब जाके आपको इनकम मिलेगा। एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज एक्सपेंस एंड इनकम। नेक्स्ट 14, वेरी इजी डेफिनेशन इज गोइंग टू कम नाउ, प्रॉफिट। चलिए, सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा ना, वो भी इसका आंसर दे सकता है। प्रॉफिट, आपको बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा? जब आपके बिजनेस की इनकम आपके बिजनेस के एक्सपेंस से बोलो क्या होगी, ज्यादा। व्हेन योर इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंस देन इट इज व्हाट इज व्हाट, प्रॉफिट। सो व्हेन इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, करेक्ट ना? When incomes are more than expenses, जब आपके business की income ज़्यादा है, किससे? Expense से। So when incomes are more than expenses, then it is called as profit, correct? जब आपके business की income ज़्यादा है, किससे? Expense से, तब आपको क्या होता है? Profit। अच्छा, profit का equation क्या है? तो profit is equal to incomes minus expenses, profit is equal to income minus expenses, clear? साथ में देख लेते हैं loss, समझदार बच्चों के शर्त काफी है। अगर आपको profit का meaning समझ में आ गया तो loss का meaning या उसका definition या उसका sentence भी आपको अंदर develop कर सकते हो। loss में क्या होगा? when expenses are more than incomes, जब आपके बिजनेस की एक्सपेंस क्या होगी, ज्यादा, किससे? इनकम से। व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम देन इट इज कॉल्ड एज लॉस। प्रॉफिट में इनकम ज्यादा होते हैं, किससे? एक्सपेंस से। और लॉस में एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, किससे? इनकम से। अच्छा, लॉस का डेफिनेशन कैसे बनेगा, लॉस का इक्वेशन कैसे बनेगा? पहले क्या आएगा? एक्सपेंसेस, उसमें से क्या माइनस करेंगे? इनकम्स। यही बस हमें इजी है। ओके, यहां तक हमारे 15 डेफिनेशन हो चुके हैं, वन डेफिनेशन इज लेफ्ट। बट बिफोर वी मूव फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन, प्लीज यू रिवाइज दिस ऑल फोर डेफिनेशंस। दीज फोर आर वेरी इजी डेफिनेशंस आउट ऑफ टोटल 16 डेफिनेशंस। ओके, अब इसको गो थ्रू करो, कम ऑन, रिवाइज करो।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर नाउ लास्ट डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक. लास्ट डेफिनेशन 16 है ट्रांजेक्शन, राइट. फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारा था बुक कीपिंग का, उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन वर्ड का जिक्र हुआ था. बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या था? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उसमें वर्ड था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तब मैंने कहा था ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? डील, डील, ठीक है. लेन देन की जो डील होती है ना, उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग लैंग्वेज में. अच्छा, इसको ट्रांजेक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ ट्रांजेक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. It is an exchange of goods or services either for cash or on credit basis. चलो इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं. क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन मतलब क्या? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस. पहले नहीं समझो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस. सपोज बिजनेस के एंगल से सोचते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. सपोज हमारा एक किराने का स्टोर है, वी आर रनिंग वन ग्रोसरी शॉप. हम बॉस है, हम ओनर है, हम शॉप के अंदर है. सपोज एक कस्टमर आया, उन्होंने लेट्स से 1 किलोग्राम वीट हमसे परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया. सपोज 1 किलोग्राम वीट का वैल्यू है लेट्स से 35 रुपीज. तो हमने क्या किया, 1 किलोग्राम गेहूं जो था उसको हमने पैक किया, हमने सामने वाले कस्टमर को दे दिया और सामने वाले कस्टमर से 35 रुपीज पर केजी का अमाउंट ले लिया, 35 रुपीज. तो आप बताइए, बिजनेस और उस कस्टमर के बीच में बोलो लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. किसका एक्सचेंज हुआ? गुड्स का हुआ. हमने हमारा 1 किलोग्राम गेहूं कस्टमर को दे दिया और कस्टमर ने उनका 35 रुपीज हमें दे दिया. तो मेरे और उस कस्टमर के बीच में जो लेन देन हुई ना, यस, वही लेन देन को हम कहते हैं डील. उसी लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन. अभी जो लेन देन होती ना, ये गुड्स को लेके भी हो सकती है या तो सर्विस को लेके भी हो सकती है. जैसे अभी मैं फिलहाल लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जब मैं टीचिंग देता हूँ आपको, जब आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सो वी आर नॉट सेलिंग गुड्स, वी आर सेलिंग व्हाट? अवर सर्विसेज. टीचिंग सर्विसेज में आता है. तो जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है, ये जब स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उनसे बदले में क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं. तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो जो लेन देन हुई ना, बस उसी लेन देन को क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन बोलेंगे. इसलिए तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे. अब ये जो एक्सचेंज है ना, ये जो लेन देन हुई, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश पे हो सकती है, या तो किस पे हो सकती है? क्रेडिट बेसिस पे हो सकती है. अच्छा, वही वापस किराने वाला एग्जांपल पे आ जाएंगे. वो जो ग्रोसरी शॉप वाला एग्जांपल था, उसमें क्या हुआ था? हमने 35 रुपीज का 35 रुपीज वाला 1 केजी वाला हमने वीट राइट पैक करके उनको डिलीवर किया और उन्होंने हमको 35 रुपीज कैश भी दे दिया. तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस पे हुआ? कैश पे हुआ. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने 35 रुपीज वर्थ वाला वीट उनको दे दिया और सामने वाली पार्टी जो कस्टमर है वो मेरा फ्रेंड है या हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो उन्होंने क्या बोला कि उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 डेज. तो आज तो मैंने उनको दे दिया 1 किलोग्राम वीट मैंने दे दिया, बट क्या उन्होंने आज का जो ऑन द स्पॉट पैसा दिया क्या? नहीं दिया. वो मुझे 2 दिन के बाद पैसा देगा. तो फिर भी लेन देन तो हुआ ही ना. तो ये जो लेन देन हुआ ना, ये किस पर लेन देन हुआ? क्रेडिट बेसिस पे हुआ. तो जरूरी नहीं है कि डील हमेशा कैश पे हो, डील हमेशा क्रेडिट में भी हो सकती है. सो ट्रांजेक्शन कैश वाला भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाला भी हो सकता है. सौ बात की एक बात, ये पूरे डेफिनेशन का क्रक्स ये है, जो एक्सचेंज होता ना दो पार्टी के बीच में, वो जो डील हुआ ना, बस उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन. सो ट्रांजेक्शन का मीनिंग हम लिखा है, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज either on cash or on credit basis. तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बात थी, एक्सचेंज होता है गुड्स या सर्विसेज का, और वो जो एक्सचेंज होता है वो कैश पर भी हो सकता है और क्रेडिट पर भी हो सकता है. ओके, अब यहां पर ना, पहले हम देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन. पहले हम देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन.
कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन, ठीक है? कैश ट्रांजेक्शन कैसा ट्रांजेक्शन है? तो इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच, इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच एन इमीडिएट पेमेंट मेड और रिसीव्ड। कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट मेड और रिसीव। अच्छा, वो जो किराने वाला एग्जांपल था, ग्रोसरी शॉप वाला एग्जांपल था, उसमें कस्टमर ने ऑन द स्पॉट अगर पैसा दे दिया तो इमीडिएट उन्होंने पेमेंट क्या किया? मेड किया। और ओनर ने क्या किया? इमीडिएट पेमेंट क्या किया? रिसीव किया। तो कैश ट्रांजेक्शन में ऑन द स्पॉट इमीडिएट पेमेंट आएगा या तो इमीडिएट पेमेंट क्या जाएगा, राइट? सो इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच एन इमीडिएट पेमेंट मेड और रिसीव। नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होगा? इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच पेमेंट टू बी मेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहां पर पैसा दिया जाएगा या लिया जाएगा, राइट? पेमेंट टू बी मींस फॉर फ्यूचर, पेमेंट टू बी मेड और रिसीव्ड इन क्या लिखा है? फ्यूचर, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहां पर पेमेंट दिया जाएगा या लिया जाएगा फ्यूचर में। नाउ देयर इज अ वन मोर कैटेगरी व्हिच इज इंटरेस्टिंग, राइट? थर्ड टाइप का भी ट्रांजेक्शन है और वो है बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन हमने स्कूल में स्टडी किया होगा। बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच वन आइटम इज एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम। ओके, बार्टर ट्रांजेक्शन में क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच वन आइटम इज एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम। अगर मैंने गेहूं का एक किलोग्राम का पैकेट दिया सामने वाली पार्टी को, तो सामने वाली पार्टी एक किलो चावल का पैकेट मुझे दे दी, अगर मेरा रिक्वायरमेंट चावल लेने का है तो। सो व्हेन वन आइटम इज एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम, देन दिस एक्सचेंज, दिस डील, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? बार्टर ट्रांजेक्शन। इसे बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये पहले के जमाने में हुआ करता था जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब कैश का इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, उस समय बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। बट यू बी वंडरिंग, इवन टूडे ऑल्सो आज की तारीख में भी बार्टर ट्रांजेक्शन होते हैं। आपके एरिया में या आपके बिल्डिंग प्रीमाइसेस में वो भांडी वाली आती होगी। भांडी वाली क्या करती है? हमारे घरों में जो पुराने कपड़े होते हैं वो मम्मी क्या करती है? वो भांडी वाली को दे देती है, और भांडी वाली फिर क्या करती है? वो बर्तन हमें देती है, यूटेंसिल्स हमें देती है। तो बोलो आज की तारीख में भी बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इवन बिग बाजार में भी कुछ ऑफर्स निकलते हैं, उनका स्लोगन क्या होता है? आप कुछ भी ले आओ और कुछ भी ले जाओ, कुछ भी ले आओ या कुछ भी ले जाओ। मतलब हमारे घर में जो भी पुराना प्लास्टिक का, स्टील का जो भी सामान रहेगा वहाँ पर हैंड ओवर करना है, उनके स्टाफ उनको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू का आपको कूपन मिलता है, और उस कूपन के बेसिस पे पूरे बिग बाजार के स्टोर में से जो भी सामान आपको लेना है वो वहाँ से ले सकते हो। तो हियर वन आइटम इज एक्सचेंज फॉर क्या? अनदर आइटम। दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? बार्टर ट्रांजेक्शन। सो दिस वॉज अ ट्रांजेक्शन डेफिनेशन, राइट? एक बार शॉर्टली हम स्टडी कर रहे थे। ट्रांजेक्शन क्या है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस, राइट? ट्रांजेक्शन गुड्स का भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन सर्विस का भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है। चलिए, कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट जाएगा या तो आएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? पेमेंट जाएगा आएगा, बट कभी फ्यूचर में। एंड बार्टर ट्रांजेक्शन में क्या होता है? बार्टर ट्रांजेक्शन में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आमने सामने आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, दैट वाज अ बार्टर ट्रांजेक्शन। ओके, सो प्लीज रीड दिस डेफिनेशन वेरी केयरफुली, एंड हियर वी कंप्लीटेड 16 डेफिनेशंस।
ये 16 के 16 डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, एंड आई कैन अश्योर यू आउट ऑफ दिस 16 डेफिनेशन यू आर गोइंग टू गेट 5 डेफिनेशंस, एनी 5 डेफिनेशंस, व्हिच 5 डेफिनेशंस दैट आई डोंट नो, बट यू विल डेफिनेटली गेट 5 डेफिनेशंस आउट ऑफ दिस 16 डेफिनेशंस इन द कॉलेज एग्जाम एंड व्हिच कैरी 10 मार्क्स. वन डेफिनेशन कैरी 2 मार्क्स, यू विल बी गेटिंग 5 डेफिनेशन इन योर कॉलेज एग्जाम पेपर, दैट इज 10 मार्क्स. सो अप टिल नाउ यू हैव कंप्लीटेड 10 मार्क्स सिलेबस. ओके, ये परफेक्टली आपको तैयार करना है, आप घर पे इसे लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. राइट, उम्मीद करता हूँ जितना भी आज कराया सब आपको अच्छे से समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.